हाय फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में हैं हम और कोप्पल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। साइड में आए हुए थे तो बगल में एक पान का बागान देखा, तो सोचे हम कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं इसकी सुंदरता जो है, क्या खूबसूरत दिखता है वाकई में, मन को मोह लेता है। और ये देखिए, ये क्या है जो हम सहजन बोलते हैं या मुनगा बोलते हैं अपने यहाँ यूपी में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लेते हैं, उसी पेड़ को छटाई करके और सीधा ले जाके उसी पे चढ़ाया गया हुआ है। सहजन भी है और भी एक दो पेड़ है जिसका नाम तो नहीं पता है, जो आप देख सकते हैं ये है और ये सहजन है और एक चिलबिल जैसा भी कुछ चीज़ है, वो हम लोगों के यहाँ चिलबिल बोला जाता है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। आप ये देख सकते हैं ये है, इसी को छांट कर एकदम सीधा ले जाते हैं और उसी के सहारे पे चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं ना ये पान, ये जो कि छोटे पत्ते अलग अलग वैरायटी का भी लग रहा है, अलग अलग वैरायटी के हैं कुछ, देखिए देखिए इस तरह के हैं, जैसे ये देखिए इन सब की तुड़ाई हो चुकी है, तोड़ चुके हैं इसमें से पान को, तोड़ चुके हैं। हाँ, ये पान को तोड़ा जा चुका है, जबकि ये पान अभी टूटा नहीं है, ये तोड़ना बाकी रह गया, अभी तोड़ेंगे इसको। आप देख सकते हैं कैसे लाइन में लगा हुआ है, ये देखिए एकदम सही लाइन, और ये पक्षियों की आवाज़ इसके अंदर सुन रहे हैं आप, कितना मनमोहक। शांति देखिए कितनी शांति है, एकदम सन्नाटा। रुक, किनारे किनारे में ये केला के पेड़ लगाए गए हैं और कुछ झाड़ियाँ भी लगाई गई हैं ताकि अंदर कोई नहीं आ पाए, बाड़े के तौर पे यूज किया जा रहा है उसको, झाड़ियों को जो कि जंगली पौधे हैं कोई चीज़। एक चीज़ यहाँ देखने को मिला है कि पेड़ पौधों की देख रेख बहुत करते हैं लोग, पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे आपको, और अगर देखा जाए तो किसी न किसी आयुर्वेदिक चीज़ों में यूज होते हैं। कई दिन से सोच रहे थे कि आप लोगों को दिखाएं, वो अंकल जी हैं, आइए मिलते हैं उनसे, अंकल जी तोड़ रहे हैं पान को। अभी मैं अंकल जी के पास आया हूँ और ये देखिए क्या जुगाड़ से तोड़ रहे हैं ऊपर का, अभी मैं भी नहीं देखा था कि इस तरह से तोड़ते हैं, ये इनका जुगाड़ है सीढ़ी को किस तरह से ये बनाए हुए हैं बांस के। देख सकते हैं इधर आंटी जी भी हैं, आंटी जी नीचे से तोड़ रही हैं, और ये तोड़ कर रखा हुआ पान देखो क्या बढ़िया सजा के रखा गया है। देख सकते हैं उधर वो केले में फल भी लगा हुआ है, ये देखिए ये देसी केला है, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही टेस्टी और मीठे होते हैं। अंकल जी से बात तो हम करें पर अंकल जी को शायद हिंदी नहीं आता होगा और हमको कन्नड़ नहीं आता, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है कि बात नहीं कर सकते हैं कुछ ही। अंकल जी आपको हिंदी आती? हिंदी नहीं आती? नहीं आती। आंटी जी को भी हिंदी नहीं आती। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, कन्नड़ ही आता है सबको, ज़्यादातर कन्नड़ ही आता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, यही सबसे ज़्यादा है यहाँ पे सर्वाइव करने का, यहाँ पे टहलने घूमने में और
कोई चीज़ को जानकारी लेने में प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ दिक्कत होती है थोड़ा। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।